बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फंटेसी प्लेइंग 11 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पोलिश लीग में जो आज का मुकाबला होने वाला है SOP वर्सेस SOW के बीच, जो आज का पहला मुकाबला होने वाला है पोलिश लीग में, उस मैच के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किस को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए कैप्टन वो इस कैप्टन के लिए ठीक रहेगा और कौन सा प्लेयर आपके लिए समोल लीग के लिए, कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के कॉन्टेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बात करते हैं दोस्तों इस मैच के कॉन्टेस्ट के बारे में। तो इस मैच में एक टीम बनाने के लिए आप 10 रुपये से एंट्री कर सकते हैं और 5,50,000 रुपये पैसे विन कर सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 टीम लगा सकते हैं और हम आपको जो टेलीग्राम पर दोस्तों टीम प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपकी अच्छी खासी रैंक आने वाली है, इसलिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएँ, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पर कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, हम आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही टीम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से 653 अभी तक बंदे जुड़ चुके हैं। हम यहाँ पर फेसबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल जैसी टीम प्रोवाइड प्रेडिक्शन करते रहते हैं, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल से लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर जुड़ जाए। और दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा बता भी सकते हैं आपको 20 में से कितनी टीम चाहिए, आपको समोली के लिए टीम चाहिए या ग्रैंड लीग के लिए टीम चाहिए। वैसे हम 6 टीम ग्रैंड लीग के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आपको 6 से ज़्यादा टीम चाहिए तो उस हिसाब से आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा बता भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो SOP में से हम दोस्तों 5 प्लेयर और SOW में से 3 प्लेयर लेकर चलने वाले हैं। SOP ने इस लीग में 4 मैच प्ले किए, उनमें से 3 मैच में विन और 1 मैच में लॉस का सामना किया है। अगर SOW के बारे में बात करें तो SOW ने भी यहाँ पर 4 से 5 मैच अभी तक प्ले किए, उसमें से इन्होंने दोस्तों 2 ही मैच में विन किया, तो बाकी 2-3 मैच में इन्होंने लॉस का सामना किया, लेकिन इसलिए हम 5-3 का पहली टीम में कॉम्बिनेशन 5-3 का लेकर चलने वाले हैं। वैसे हम दोस्तों आप बाकी टीम हमको आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो ड्रीम टीम के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम ड्रीम 11 प्रेडिक्शन रिलेटेड हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में। तो ड्रीम टीम में सबसे पहले हम टीम में एज ए पॉइंट गार्ड प्लेयर अपनी तरफ से SOW की तरफ से फ्लोरेंस को लेकर चलने वाले दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पिछले 4 मैच में इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों 26, 21, 35 और 17 लगभग हर मैच में अपना बेस्ट से बेस्ट स्कोर दे रखें। 3-4 मैच में दोस्तों इन्होंने 98 के लगभग पॉइंट कवर करके 77 के लगभग इनका सेलेक्टिव परसेंट है। करियर के बारे में बात करें तो 118 मैच अभी तक इन्होंने प्ले कर रखे, तो हर मैच में दोस्तों ये लगभग 25 से ऊपर पॉइंट कवर कर लेते हैं, तो आप अपनी टीम में इनको एज ए पॉइंट गार्ड बेझिझक होकर ले सकते हैं। यंग के बारे में बात करें तो जो कि SOP के खिलाड़ी दोस्तों उनको भी आप अपनी टीम में एज ए प्लेयर के रूप में मौका दे सकते हैं। वैसे आपके पास मेंटेरिज भी एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है और यंग भी है, दोनों में से एक प्लेयर को आप अपनी टीम में एज ए पॉइंट गार्ड जरूर लेकर चल सकते हैं। दोनों प्लेयर दोस्तों SOW और SOP में से बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है। बात करते हैं शूटिंग गार्ड के बारे में, तो फ्रैंक आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। फ्रैंक तो आपको अपनी टीम में जरूर लेकर चलना ही चलना है। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन्होंने दोस्तों इस लीग में 6 में से 4 मैच अभी तक इस टीम ने 6 मैच प्ले कर रखे हैं और इन्होंने 4 ही मैच अभी तक प्ले किए हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 22, 33 और लगभग 23 यानी कि हर मैच में इन्होंने लगभग दोस्तों 25 के लगभग पॉइंट कवर कर रखे हैं, तो आप अपनी टीम में इनको बेझिझक होकर अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड ले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। वैसे आपके पास एक प्लेमर भी, हम अपनी टीम में प्लेमर को भी जो कि SOW के प्लेयर है उनको भी अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड लेकर जरूर चलेंगे दोस्तों। ये हमारे पास एज ए शूटिंग गार्ड के रूप में अच्छा खासा ग्रैंड लीग में ऑप्शन होने वाले, तो प्लेमर को भी हम अपनी टीम में एक से ज़्यादा टीम बनाएंगे उनमें जरूर लेकर चलेंगे। बात करें ग्रूस जैकी के बारे में जो कि SOP के खिलाड़ी है, इन्होंने भी लगभग दोस्तों 90 के लगभग पॉइंट कवर कर रखे हैं, 20 से ऊपर हर मैच में पॉइंट कवर कर लेते हैं, तो इन्होंने 4 मैच में 62 के लगभग इनका सेलेक्टिव परसेंट है, 109 मैच इन्होंने प्ले कर रखे, तो आप अपनी टीम में ग्रूस जैकी को भी अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड जरूर लेकर चल सकते हैं। मोटन के बारे में बात करें दोस्तों, मोटन को आप अपनी टीम में एज ए स्मॉल फॉरवर्ड जरूर लेकर चलिए, पिछले 4 मैच में लगभग 85 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर करके 20 के लगभग हर मैच में पॉइंट कवर करते हैं, 78 के लगभग इनका सेलेक्टिव परसेंट है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो अभी तक करियर के मैच के बारे में बात करें तो करियर में इन्होंने अभी तक दोस्तों 142 यानी कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है SOP की तरफ से, तो आप अपनी टीम में एज इनको स्मॉल फोर्ड जरूर मौका दे सकते हैं। आज हम अपनी टीम में दोस्तों 2 यहाँ पर पावर फोर्ड, 1 स्मॉल फोर्ड, 2 शूटिंग गार्ड, 2 पॉइंट गार्ड और 1 सेंटर लेकर चलने वाले। अब हम बात करते हैं पावर फोर्ड के बारे में जो कि SOW की तरफ से एम यंग को लेकर चलने वाले दोस्तों। इन्होंने पिछले 4 मैचेज में लगभग 120 के लगभग पॉइंट कवर कर रखे हैं, तो हर मैच में दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग 30 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, तो आप अपनी टीम में इनको एज ए पावर फॉरवर्ड और एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, ये आपके लिए गोल्ड साबित होने वाले, तो आप अपनी टीम में इनको जरूर लेकर चलिएगा। इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस के
बारे में बात करें तो देख सकते हैं आप दोस्तों 35 के लगभग 25, 32 और 32 यानी कि हर मैच में दोस्तों 30 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड और कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में एम यंग ऑप्शन होने वाले हैं। एंडरसन के बारे में बात करें तो दोस्तों ABSW के प्लेयर है दोस्तों, 25 के लगभग हर मैच में पॉइंट कवर कर लेते हैं। 4 मैचेस में लगभग इन्होंने 66 पॉइंट कवर कर रखे हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 89 मैचेस अभी तक इन्होंने प्ले कर रखे हैं। तो आप अपनी टीम में इनको एज ए पावर फॉरवर्ड के रूप में मौका जरूर दे सकते हैं। शर्मा के बारे में बात करें तो दोस्तों जॉश शर्मा आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, एज ए सेंटर और एज ए कैप्टन वॉइस कैप्टन के रूप में। अगर आप ये कितनी भी टीम लेकर चले तो इनको कैप्टन तो कैप्टन या वॉइस कैप्टन हो तो हर टीम में इनको लेकर चलें तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। इनके 4 मैचेस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो SOP के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों, 44 के लगभग पिछले मैच में जो RORR के खिलाफ था उनमें SPT के खिलाफ 30 के लगभग, GT के खिलाफ 20 के लगभग और TPT के खिलाफ 31 के लगभग, यानी कि हर मैच में दोस्तों यह लगभग 35 से 50 के बीच पॉइंट कवर करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर और कैप्टन और वॉइस कैप्टन के रूप में चॉइस होने वाली है। तो आप अपनी टीम इनको जरूर लेकर चलिएगा एज ए कैप्टन वॉइस कैप्टन और सेंटर के रूप में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन के बारे में। तो वॉइस कैप्टन हमारी टीम में एम यंग जो कि SOW के पावर होल्डर है उनको अपनी टीम में एज वॉइस कैप्टन, और जोश शर्मा जो कि SOP के सेंटर प्लेयर उनको अपनी टीम में एज ए कैप्टन के रूप में लेकर चलने वाले हैं। आपके पास एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन कैप्टन वॉइस कैप्टन के रूप में होने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल अपडेट टीम आपको सिर्फ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं।